हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एस के इलेवन फैंटेसी। तो आज हम इस दिन में डिस्कस करेंगे ओमेन्स ईस्ट एशिया कप T20 का जो मैच खेले जाएंगे हांगकांग ओमेन वर्सेस जापान ओमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। यहाँ पर मैच टाइम देख सकते हैं, आज दोपहर 1 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैच की प्रेडिक्शन के लिए बात की जाए तो देखिए, हांगकांग के जो दोस्तों नंबर वन खिलाड़ी है मैरिको हिल, वो यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है। और जापान के लिए भी दोस्तों जो नंबर वन खिलाड़ी है एस मियाजी, वो भी स्क्वाड में नहीं है। इसका मतलब दोनों टीम वीक है। हांगकांग के पास फिर भी दोस्तों कैरी चैन नाम के खिलाड़ी है जो कि अच्छे कर सकते हैं इस मैच, बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ, और टीम का कप्तान भी है। पहले तो बहुत ही अच्छा करते थे लेकिन रिसेंटली उतना कुछ नहीं कर पा रहे बैटिंग से, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे जापान की तरफ से इनके पास भी 2 से 3 खिलाड़ी है जो ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। स्पेशली दोस्तों हांगकांग की तरफ से ऐसे 2-3 खिलाड़ी रहेंगे जिसका सिलेक्शन 1% 2% है, लेकिन वो सारे खिलाड़ी आपको GL में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं और GL भी जिता के दे सकते हैं। तो वो खिलाड़ी कौन रहेंगे तो मैं आपको वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहिए। और जापान की तरफ से कौन सा खिलाड़ी को पिक करना चाहिए एवं कौन सा खिलाड़ी को स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए GL में, वो भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में इंटरनेशनल मैच हो या फिर IPL मैच हो, क्वालिटी डोमेस्टिक मैच होते हैं, उन सारे मैच की आपको कवरेज मिलते रहेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें, जो कि इसी वीडियो की फर्स्ट कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैच की प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए, फिर भी आप यहाँ पर 65% हांगकांग को मान के जा सकते हैं और यहाँ पर 35% जापान को मान के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो दोनों टीम का कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। देख सकते हो दोनों टीम यहाँ पर काफ़ी सारे मैचेस खेल रखे जो कि 2022 में खेले गए थे, आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम देखोगे मैच यहाँ पर हांगकांग विन किए थे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देख लेते पहले मैच में क्या हुआ था रिजल्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों मैरिको हिल यहाँ पर स्क्वाड में थे और इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किया था हर मैच में, ठीक है। अभी स्क्वाड में है नहीं, तो देखिए कैरी चैन यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग या फिर ऑन रन खेलने के लिए आएंगे, 13 रन बनाए थे, आप देख सकते हैं। एंड माइल्स भी स्क्वाड में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हांगकांग काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। वाई दस मैन यहाँ पर 12 रन बनाए थे। यहाँ पर जापान की तरफ से देखिए ए चैंडेल आपको ऑन डाउन में बैटिंग देंगे और 4 ओवर की फुल बॉलिंग, तो बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे। जापान जब पहले बॉलिंग करेंगे इस खिलाड़ी को आप GL में जरूर कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। एस कैटो यहाँ पर देखिए 4 ओवर की फुल बॉलिंग के विकेटलेस। एस मियाजी दोस्तों इसी खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था, जापान के लिए नंबर वन खिलाड़ी है, स्क्वाड में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज गॉटो 1 ओवर बॉलिंग किए थे लेकिन ये आपको अच्छा खासा बॉलिंग देंगे। और टीम का जो कप्तान है यहाँ पर दोस्तों MYND का, ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर देखिए ए चैंडेल और MYND का, इन दोनों को एक टीम में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन एक साथ में ट्राई कीजिएगा जब जापान पहले बॉलिंग करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे देंगे। यहाँ पर बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं जापान की तरफ से एस मियाजी स्क्वाड में नहीं है। एज गॉटो देखिए यहाँ पर ओपनिंग पर आए थे और आपको बॉलिंग भी देंगे 3 से 4 ओवर, ठीक है। तो इनको आप जरूर बैक करके जाइएगा। फिर देख सकते हैं ए चैंडेल ऑन रन पर आए थे, यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए थे लेकिन आपको ठीक ठाक बैटिंग करके दे सकते। ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके देंगे बैटिंग से, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते MYND का यहाँ पर 11 रन बनाए थे, ठीक है। वो भी यहाँ पर देखिए एक भी चौका नहीं लगा पाए थे, ठीक से देख सकते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई ओडा काफ़ी नीचे आए थे लेकिन एक खिलाड़ी आपको मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग देंगे, ठीक है। और ओपनिंग पर जब आएंगे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए एक कैनो भी मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग पर आएंगे, यहाँ पर ई ओडा और एपे ए कैनो, ये दोनों आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, दोनों को बैक करके जा सकते हैं। तो देख सकते हो हांगकांग की तरफ से आई सहार यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है। बेटी चैन यहाँ पर दोस्तों मस्ट पिक रहेंगे, ये आपको 4 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे, वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। कैरी चैन 4 ओवर की फुल बॉलिंग के, ये भी स्क्वाड में है और ये कैप्टन के लिए सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। मैरी कोल स्क्वाड में नहीं है। MBB यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, MBB को आप यहाँ पे VC ट्राई कीजिएगा GL में, ठीक है। आर वेंकटेश नहीं है। यहाँ पर देखिए टीचू एक अच्छे बॉलर है दोस्तों, उनका रिकॉर्ड अच्छा है और यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल भी जब खेले थे तो 2 ओवर में 1 विकेट चटकाए थे। इनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, आप इनको बैक करके जा सकते हैं, बैटिंग आने से भी आपको 10-15 रन बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं एक और मैच की, जहाँ पर हांगकांग ने 142 रन बनाए थे लेकिन जापान भी देख सकते हैं 130 रन बना दिए थे। जापान की तरफ से यहाँ पर देखिए जो 2 खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, एक कैनो विकेट कीपर बल्लेबाज आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, इन्हीं के साथ जाइएगा। जब बैटिंग से ओपनिंग करने लाए थे यहाँ देखिए 54 रन बना दिए थे। ई ओडा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये भी आपको मोस्टली ओपनिंग ही देंगे और ओपनिंग पर अच्छे पारी भी खेले थे, देख सकते 5 चौका और 1 छक्का भी लगाया था। ए चैंडेल देख सकते 25 रन बनाए थे, ये आपको 4 ओवर की बॉलिंग भी देंगे, तो ये भी अच्छे पिक रहेंगे एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। एस कैटो 1 ही रन बना पाए थे और MYND का 0 पर आउट हुए थे। बॉलिंग से पर देख सकते हैं बीच ने 3 ओवर विकेटलेस, एम हिल स्क्वाड में नहीं है, आर वेंकटेश नहीं है, MBB 4 ओवर विकेटलेस। फिर देख सकते हैं यहाँ पर सी चो मोस्टली स्क्वाड में नहीं है, ई लाई यहाँ पर स्क्वाड में शायद होगा दोस्तों, तो आप इनको बैक कर सकते हैं, बैटिंग से मिल जाएंगे, अगर खेलेंगे तो जरूर बैक कर लेना क्योंकि आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं। क्यों बॉलिंग देंगे क्योंकि देखिए एम हिल नहीं है, फिर दोस्तों यहाँ पर इकरा सार भी टीम में नहीं है,
और आर वेंकटर भी टीम में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है जो भी ये सारे खिलाड़ी खेलेंगे वो बॉलिंग करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ईलाई अगर खेलेंगे तो ये आपको बॉलिंग देंगे, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जब ब्लाइंड होंगे तब से बैटिंग से बारे में देखिए, एन माइल्स कितने अच्छे पारी खेले थे, स्क्वाड में नहीं है। एम हिल स्क्वाड में नहीं है। एस सैयद छः गेंद में 3 रन बनाए थे, 10 मैन ये पे 12 रन बनाए थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एच एडल 4 ओवर विकेट लेस, एस कैटो 4 ओवर विकेट लेस, एस मियाज स्क्वाड में है नहीं। फिर देख सकते हर खाना 1 ओवर बॉलिंग किए थे, वाइंडी का यहाँ पर 2 ओवर में 1 विकेट, और यहाँ पर दोस्तों ए फूजी का 2 4 ओवर में 1 विकेट। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना, ए फूजी का ना हर मैच में आपको बॉलिंग नहीं देंगे, ठीक है। कभी कभार बॉलिंग करने के लाते हैं, कभी बॉलिंग नहीं करती है। यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एस मैच जो टीम का नंबर वन ऑलराउंडर है वो स्क्वाड में नहीं है। इसका मतलब ए फुआ का जो आपको बॉलिंग कुछ ओवर दे सकते हैं, ठीक है। एक और खिलाड़ी स्क्वाड में है जिसका नाम है सी चैन, यानी दोस्तों चार्ली चैन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल मैच ज़्यादा खेले नहीं है, मतलब खेले ही नहीं है। यहाँ पर डोमेस्टिक में इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए, ठीक है। बॉलिंग आपको ऑलमोस्ट अगर खेलेंगे तो ये आपको 2 से लेकर 4 ओवर में जो बॉलिंग भी देंगे, और बैटिंग भी वो मोस्ट पॉल आपको 3 से लेकर 5 डाउन के बीच में इनका बैटिंग आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। यहाँ पर देख सकते 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, और यहाँ पर बैटिंग से जब देखोगे ना तो फिर बैटिंग से भी आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने बैटिंग से भी ठीक ठाक पारी खेल लेते हैं कभी कभार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ईमालाई जो मैंने आपको बताया कि अगर खेलेंगे तो बॉलिंग करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो बॉलिंग किए थे। यहाँ पर देखिए एसयू अगर खेलेंगे तो जरूर पिक कर लेना, क्योंकि इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहेंगे अगर खेलेंगे तो, ठीक है। टैमीचू देख सकते 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, मैंने आपको बताया कि टैमीचू भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। यहाँ पर एक और मैच किया, यहाँ पर देख सकते जहाँ पर या सी चैन ने 4 ओवर की फुल बॉलिंग किए थे, हालांकि विकेट लेस गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। तो आप इनको जरूर बैक करके जा सकते हैं अगर खेलेंगे तो। सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसीलिए देखा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पिक है, अगर खेलेंगे तो आपको जीएलजी तक भी दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते जो दोस्तों देखिए सी चैन ना यहाँ पर बैटिंग से भी 16 रन बनाए थे, ठीक है। बैटिंग से प्रोमोट भी मिले थे, तो जरूर इनको बैक कर लेना अगर खेले तो, ठीक है। बहुत ही अच्छा पिक बन सकते, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जीएलजी तक भी दे सकते। ईमालाई खेलेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक इसीलिए रहेंगे क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग दे सकते, क्योंकि एम हिल्स और एन माइल्स दोनों नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टैमीचू ने 26 रन बनाए थे, एसयू देख सकते 30 रन बनाए थे, और दोनों यहाँ पर आपको बॉलिंग भी देंगे अगर खेलेंगे तो, इंपॉर्टेंट पिक इसीलिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सी चैन यहाँ पर भी सिर्फ 4 गेंदों में 8 रन बना दिए थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 2 चौका भी लगाए थे, ठीक है। इस सेक्शन में देख सकते हैं फिर ए कैनो अगर ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे तो मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा, और दोस्तों यहाँ पर रहेंगे एलचीएम, ठीक है। ये बैटिंग से कुछ नहीं करेंगे, विकेट कीपिंग से आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं, मैंने पे ए कैनो के साथ ही जाऊंगा। बैटिंग सेक्शन में ई ओडा अगर ओपनिंग पर मेन से रहेंगे तो जरूर पिक कर लेना। दोस्तों अभी आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ ना, ये जो टीम रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों 7-4 फॉर्मेट वाली, यानी ओल्ड फॉर्मेट वाली टीम, ठीक है। ड्रीम इलेवन बिल्कुल मनमर्जी आप टीम बना पाओगे तो वो आप बना लीजिएगा, और मैं आपको टेलीग्राम पर भी ड्रीम इलेवन की जो टीम रहेंगे वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी जो टीम आपको देख रहे उनको मिलेंगे वो 7-4 वाली फॉर्मेट वाली यानी ओल्ड फॉर्मेट की टीम दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर देखिए मैं ई ओडा के साथ जाऊँगा, फिर दोस्तों जो रहेंगे आप एस से जाते फिर हिमालय, देखिए आप हिमालय का सिलेक्शन सिर्फ 17% है। अगर खेलेंगे तो ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग और बॉलिंग भी दे सकते, शायद इनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग ना मिले लेकिन बॉलिंग मिल सकते अगर खेलेंगे तो, ठीक है। अगर खेलेंगे तो जोरू पिक कर लेना इनको। या वो देख सकते हैं पॉल्टू जो रहेंगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है, फिर देखिए एसोमी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती अभी है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जाऊँगा यहाँ पर हिमालय के साथ और अभी एस सहजाद के साथ, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं कैरी चैन और यहाँ पे एच एडल को पिक करूँगा। दोस्तों ड्रीम इलेवन पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, ड्रीम इलेवन पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी के साथ जाइएगा, ई ओडा या फिर एस सहजाद, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना, मैंने अभी खेले तीनों के साथ जा रहा हूँ क्योंकि अभी ओल्ड फॉर्मेट की टीम आपको दिखा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए कैरी चैन ए चैनल इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर दोस्तों यहाँ एम ओ एन डी का मास्टर पिक होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर जापान की तरफ से एज गोटो एक अच्छे पिक है, ठीक है। जब जापान पहले बॉलिंग करेंगे ना तो आप इनको जरूर अपनी टीम में बैक करके जा सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे खिलाड़ी। यहाँ पर दोस्तों रहेंगे एक और खिलाड़ी आमंड चेंग, ये बहुत अच्छा पिक बन सकते हैं भी, ठीक है। सिलेक्शन देखिए बिल्कुल भी नहीं है, तो ये खिलाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन देखिए 1% भी नहीं है, तो मैंने इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे मैच ना स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए एक खिलाड़ी आपको 2 विकेट दे दिया, ठीक है, तो आपका टीम कितना आगे निकल जाएगा सोचो, 1% भी सिलेक्शन नहीं है, और यूजर को दोस्तों इस खिलाड़ी के बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। अगर खेलेंगे तो जरूर बैक कर लेना, आपको कम से कम 2 से लेकर 4 ओवर में जो बॉलिंग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉलिंग सेक्शन में जो रहेंगे एम बी बी और बी चैन और ए सी ओ मस्ट पिक होना चाहिए, अगर खेलेंगे तो तीनों को पिक कर लीजिएगा, किसी को भी ड्रॉप मत करना। पहले बॉलिंग करेंगे ना तो जापान जब पहले बॉलिंग करेंगे या फिर ए फूजी का जो को पिक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार बॉलिंग करने के लिए आ जाती है और इमेज टीम में नहीं है तो इनको बॉलिंग करने को मौका मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा ना कोई इनको टीम में लाएंगे, ये तो इन दोनों में से कौन खेलेगा, जो भी खेलेगा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बारी बारी में अपनी टीम में रोटेशन कर लीजिएगा, मैंने अभी के लिए
सी चेन के पिक किया हूँ, ठीक है, पर मुझे पता नहीं कि इन दोनों में से कौन खेलेगा, ठीक है। अपना लाइनअप्स आपको भी पता चल जाएंगे, तो जो भी खेले इनमें से आप जरूर पिक कर लेना, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी आपको जी एल जी तक देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लेकर बात की जाए तो कैप्टन के सेफ ऑप्शन रहेंगे, कैरी नहीं रहेंगे। जैसे देखें ए चैनल को काफ़ी सारे लोग बनाएंगे क्योंकि आपको बैटिंग वाले दोनों से परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन दोस्तों हांगकॉन्ग जहाँ पर बॉलिंग करेंगे ना, तो वाइस कैप्टन से बी चैन एम बी बी दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों का बारी बारी में ट्राई कर लीजिएगा। मैंने स्मॉल लीग में दोस्तों अभी के लिए बी चैन को वाइस कैप्टन से दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ए चैडल भी एक अच्छे पिक बन जाएंगे जापान की तरफ से। तो दोस्तों बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है, आफ्टर टॉस आफ्टर नाइन एस आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना ना भूलें, इसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में ए कैनो को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन में ई ओडा फिर देख सकते हैं इलाई और अभी एस एजाद को पिक किया हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पे ई ओडा और यहाँ पे दोस्तों एस एजाद को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बॉलर को पिक कर लीजिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में के चैनल को पिक किया हूँ, ए मोयंगडी का, फिर देख सकते हैं ए चैडल, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली ए चैडल को जरूर ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं और ग्रैंड लीग में इन दोनों को एक साथ में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में ए सी यू, फिर देखिए एम बी बी और पे बी चैन के साथ साथ मैंने सी चैन को भी पिक किया हूँ। यहाँ पर हो सकता है सी चैन की जगह कोई और खेले, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया हूँ उनमें से जो भी खेलेंगे उनको पिक कर लेना और बारी बारी में रोटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको ए बी आकर ज्वाइन होना है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो देरी किस बात की, जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए, और आप भी दोस्तों हमारे साथ खेल का अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।